मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन रहा। सभी दलों के उम्मीदवारों ने दोपहर 3 बजे तक अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने भी अपने अपने नामांकन पत्र जमा कर दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पैतृक गाँव जैत में कुल देवी देवताओं की पूजा पाठ की और इसके बाद नर्मदा जी का भी पूजन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दोपहर करीब 2 बजे बुधनी विधानसभा सीट से अपना नामांकन जमा कर दिया। उन्होंने बुधनी उपतहसील कार्यालय में रिटर्निंग अधिकारी आरएस बघेल के सामने अपना नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया है। और मेरे परिवार में बिना किसी भेदभाव के सबकी सेवा, सबको आगे बढ़ाना। अरे मेरी बहनों, तुमने 10 रुपया पांच कहीं ना तो सिक्के दिए, सिक्के ले जा भैया चुनाव लड़ने के लिए। तो जैसे सबरी के बेर भगवान राम को 56 व्यंजन से ज्यादा स्वादिष्ट लगे थे, वैसे तुम्हारा 1 रुपया कमलनाथ की करोड़ों की दौलत से ज्यादा है। अब वो लोग तो सेठ, अरबपति, उद्योगपति, गांव गली पूजा बच्चे, वो क्या जाने मध्य प्रदेश की माटी से उनका क्या लेना देना। लेकिन अपना तो नरेई जैत में गड़ा है, उनका तो पता ही नहीं होगा नरा गड़ाई का, और नरा क्या होता है यही नहीं जानते होंगे। होता ये तो ठहरे परदेसी, ये तो चुनाव में आते हैं फिर जाते हैं। और मेरे